भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कंपनी बाग स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति आवासीय प्लस टू स्कूल में पांचवी के छात्र आश्चर्य कुमार के साथ रैगिंग करने का मामला सामने आया है। प्लस टू के छात्र सानू कुमार और हरिराम कुमार ने शुक्रवार की रात आश्चर्य को पहले पीटा, इसके बाद कपड़े खोलकर भीषण ठंड में पानी से नहलाया, फिर उसे छत पर खुली हवा में भेज दिया। वहीं घटना का विरोध करने पर उसके भाई हेमंत को भी पीटा गया। मामले की जानकारी विद्यालय के ही किसी बच्चे ने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन शनिवार की सुबह स्कूल पहुंचे, जहां पर सीनियर छात्र शानू को बुलाकर प्राचार्य चैम्बर में समझाया गया। इधर आश्चर्य कुमार के परिजनों का कहना है कि यदि किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। वो लगातार सोनू एवं उसके साथी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर विश्वविद्यालय थानेदार दिलशाद तलबल के साथ मौके पर पहुंचे। बता दें कि स्कूल में रैगिंग की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित छात्र ने बताया कि रात को जब वह पानी पीने के लिए गया, तभी सीनियर छात्र सानू ने उसे रोक लिया और प्लेट धोने से इनकार करने की बात पर उसकी पिटाई शुरू कर दी और ठंडे पानी से नहाने की सजा दी। इस मामले की जानकारी जिला कल्याण पदाधिकारी को दे दी गई है। इधर प्राचार्य विनोद कुमार ने पीड़ित छात्र के परिजनों को मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। हमको बुला लिया था सानू और बोला कि तुम नहीं आया था, मैं नाश्ता पहुँचाने बोला कि मम्मी ने बोला लाने, तो हम गए ना उसका रूम, वो हमको पूरा कपड़ा खुलवा के बेल्ट लेके मारने लगा, मार के फिर भेजा नहाने, नहा के आए ना फिर मारा, बोला छत पे जा घूमना, घूम के आया तो फिर मारा, बोला कि जा तुम्हारा भाई को भी बोला उसको भी मारेंगे। क्यों किया ऐसा तुम्हारे साथ? खाली नाश्ता नहीं आए थे तो ठंड में छत पे भी घुमाया। क्या नाम हुआ तुम्हारा? आश्चर्य कुमार। दूसरा लड़का तो हम ये रो रहा था, कांप रहा था, तो हम पूछे क्या हुआ, तो हेमंत बोला कि एक लड़का बुला के उनको पानी लेने गया था फिल्टर से, तो उसको बुला के ले गया, मेरा नाश्ता तुम क्यों नहीं पहुँचाया? तो बोला हमको मम्मी बोली थी कि अपने रूम से कहीं नहीं जाना, तो हम नाश्ता नहीं पहुँचाए उसको, तो हमको कपड़ा उतार दिया और मारने लगा बेल्ट से, मारा उसके बाद बोला नहाओ आधा घंटा तक नहाना, और नहीं उसके पहले आ गए तो फिर मारेंगे। उसके बाद नहवा के मारा, फिर छत पे बोला घूमो और अपना भाई को भी बुला के ले आओ, और फिर खड़ा कर दिया चकुट्ठा बना के कि इससे बाहर निकलोगे तो 18 बेल्ट मारेंगे, 20 बेल्ट मारेंगे, इस तरह से रो के हमको बताया फोन में। सिगरेट एक दिन सिगरेट धरा के हाथ में दे करके और बोला जल्दी पियो हाथ में छड़ी लेकर के, वो भी फोन किया था हमने 2-4 दिन पहले ही। आश्चर्य को वही लड़का दिया था। सालू क्या नाम है, नाम तो बढ़िया से। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के द्वितीय चरण में शुक्रवार को 96,823 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसको लेकर राजधानी पटना के गांधी मैदान में बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के हाथों से नवनियुक्त शिक्षकों को द्वितीय चरण का नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सूबे के सभी जिले के भी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं को डीएम के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड परिसर में आयोजित शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए विभिन्न जगहों से आए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। समारोह में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SSP आनंद कुमार, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, ADM महफूज आलम और CTSP अमित रंजन समेत कई पदाधिकारियों के द्वारा 25 नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं समारोह के दौरान भागलपुर जिले में BPSC की परीक्षा में चयनित कुल 1962 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि यह शिक्षकों एवं उनके परिजनों के लिए काफी खुशी का अवसर है और पूरी उम्मीद है कि इतनी बड़ी तादाद में शिक्षकों की नियुक्ति से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। साथ ही सभी पुरुष और महिला शिक्षकों से भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बिहार के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कार्य करने की बात कही। इधर सदर SDO धनंजय कुमार, CTDSP अजय कुमार चौधरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, ट्रेनी IAS और IPS के हाथों भी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया।
जबकि इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी समारोह को लेकर काफी व्यस्त दिखाई दिए। मौके पर हजारों की संख्या में नवनियुक्त शिक्षक एवं शिक्षिका मौजूद रहे। 2000 शिक्षकों ने आज अपने अपने सेक्टर में रहेंगे, जिनके लिए जो निर्धारित सेक्टर है यदि विलम्ब से आए हैं तो वो अपना लेके जाएंगे। धन्यमान जो अतिथि है उनका संबोधन भी सुना है। अब देख रहे हैं कि सब लोगों में बहुत खुशी है इस बात की और हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि नए शिक्षकों के आने से जो शैक्षणिक वातावरण है वो बहुत बेहतर होगा, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी और उसके साथ साथ इतने सारे लोगों को, इतने परिवारों को रोजगार मिल रहा है, सरकारी नौकरी मिल रही है जो अपने आप में अद्वितीय है। विगत कुछ दिनों में लगभग 2.5 महीने में लगभग 2 लाख शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बटा है जो अपने आप में जो है रिकॉर्ड है और सभी टीचर्स से यही हम लोगों की अपेक्षा हो कि दूर गांव में जहां भी उनकी पोस्टिंग हो वहां तन्मयता के साथ काम करें, लगन के साथ, और कर भी रहे हैं सब लोग, तो इससे जो है बच्चों का जो शैक्षणिक स्तर है वो भी बेहतर होगा और विद्यालय का जो शैक्षणिक माहौल है वो निश्चित रूप से सुदृढ़ होगा और बेहतर होगा। मकर संक्रांति को लेकर शहर में बाजार सज गया है और इस बार 15 जनवरी सोमवार को मनाई जा रही है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन और दक्षिणायन की अवधि को देवताओं की रात कहा जाता है। यह पर्व भगवान सूर्य से जुड़ा है जिस कारण काफी श्रद्धा और धूमधाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसको लेकर ज्योतिषाचार्य का कहना है कि खगोल शास्त्रियों के अनुसार इस दिन सूर्य अपनी कक्षाओं में परिवर्तन करके दक्षिणायन से उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जिस राशि में सूर्य की कक्षा का परिवर्तन होता है उसे संक्रांति कहा जाता है। इसके बाद से ही दिन बड़ा और रात्रि छोटी होने लगती है। वहीं इसको लेकर भागलपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में स्थित बाजारों एवं चौक चौराहों पर तिलकुट, तिलवा, चूड़ा और गुड़ से बने कई प्रकार के लड्डू की दुकान सजी दिखी, जहां लोग खरीदारी करते नजर आए। साथ ही खिचड़ी पर्व की भी तैयारी को लेकर लोगों ने जमकर खरीदारी की। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मौसम के बदलते मिजाज के कारण इन दिनों भागलपुर में ठंड बढ़ गई है जो पिछले कुछ दिनों तक रहने की संभावना है। पिछले 3 सप्ताह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखी गई है, जबकि दोपहर बाद धूप खिलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन कनकनी वाली सर्द हवाओं के कारण ठंडी का प्रभाव जारी है। वहीं शाम के वक्त ठंडी बढ़ने लगती है और देर रात एवं सुबह के वक्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में घना कोहरा दिखाई देता है। इधर बढ़ती ठंड के कारण लोग बीमार भी होने लगे हैं। इसको देखते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के आदेश पर जिले में सभी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। DM के निर्देश पर अगले 16 जनवरी तक जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूलों में 8वीं कक्षा तक का पठन पाठन बंद रहेगा, जबकि 9वीं से ऊपर के कक्षा में शैक्षणिक गतिविधि सुबह 9 बजे से दिन 4:30 बजे तक जारी रहेगी। DM सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि ठंड काफी बढ़ जाने के कारण यह आदेश जारी किया गया है और आने वाले दिनों में मौसम को देखते हुए नए आदेश जारी किए जाएंगे। बंद कर दिया गया है जो ठंड का प्रकोप है,
और अलाव वगैरह की व्यवस्था की गई है अंचलों के माध्यम से। डेली हम लोग रिपोर्ट भी ले रहे हैं, आगे भी जिस तरह की परिस्थिति आएगी और जो टेम्परेचर का स्तर रहेगा और शीतलहर की स्थिति रहेगी, उस हिसाब से फिर हम लोग फर्दर जो है 16 तारीख के बाद निकलेंगे। सर, जिले में नगर निगम की रवैया थोड़ा सुस्त दिख रहा है ठंड को लेकर? नहीं, अंचल के माध्यम से लगातार हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं अंचलों से और सारे नगर निकायों से। अलाव की व्यवस्था हो रही है, नगर निगम में भी हम लोग देख लेते हैं, अगर अतिरिक्त जगह पर अलाव की व्यवस्था करनी होगी तो वो हम लोग करेंगे। जो समाज कल्याण विभाग से कंबल आया है वो भी हम लोगों ने वितरित कर दिया है, इतने लोगों को वितरण हुआ है उसकी सूची भी प्राप्त हो गई है। अलाव की व्यवस्था की अगर जरूरत होगी अतिरिक्त तो वो भी हम लोग नगर निगम क्षेत्र में करेंगे। भागलपुर के एमपी द्विवेदी रोड स्थित देवी बाबू धर्मशाला में शुक्रवार को महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के द्वारा भागलपुर के नवनिर्मित टाउन हॉल के शुल्क निर्धारण एवं स्मार्ट सिटी परियोजना पर विचार विमर्श को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान भागलपुर शहर के कई वार्ड पार्षद और व्यावसायिक संगठन के साथ सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों के अलावा काफी संख्या में बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। परिचर्चा के दौरान टाउन हॉल के शुल्क निर्धारण में की गई वृद्धि पर सभी संगठन के साथ बुद्धिजीवियों ने विरोध जताया और इस मामले को वरीय पदाधिकारियों के साथ सरकार तक ले जाने की बात कही। वहीं स्मार्ट सिटी के विभिन्न परियोजनाओं और शहर की व्यवस्थाओं को हर प्रकार से दुरुस्त करने को लेकर कई लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। इसको लेकर वार्ड पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत काफी सुंदर टाउन हॉल बनकर तैयार हुआ है, लेकिन इसके शुल्क निर्धारण के बाद शहर के तमाम संगठन और शहरवासियों में असंतोष का माहौल है। उन्होंने कहा कि 8 घंटे के लिए टाउन हॉल की बुकिंग करने पर 1 लाख से अधिक का शुल्क तय किया गया है, जो बहुत ज्यादा है और इससे लोग काफी परेशान हैं। पार्षद अश्वनी जोशी मोंटी ने कहा कि भागलपुर के सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवसायिक संगठन इस मुद्दे पर महापौर के साथ हैं और आम लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए टाउन हॉल या स्मार्ट सिटी योजना से जुड़े कार्यों का लाभ सभी शहरवासियों को मिले, यही उन सभी का प्रयास है। उन्होंने कहा कि टाउन हॉल के टेंडर में साफ तौर पर लिखा था कि जो कंपनी इसे बनाएगी 3 वर्षों तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उनकी होगी, लेकिन मनमानी करते हुए अत्यधिक शुल्क तय कर दिया गया है। इधर महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि शहर में स्मार्ट सिटी के तहत किए गए कार्यों में सुधार एवं अनियमितता से जुड़ी हुई जानकारी बिहार सरकार के साथ केंद्र सरकार एवं नगर विकास विभाग को भी दी जाएंगी। मेयर ने कहा कि अगर टाउन हॉल के शुल्क को कम कर लोगों को राहत नहीं मिलेगी तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, जबकि सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन को निशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। महापौर ने कहा कि वो अपने अधिकारी एवं भागलपुर की जनता के हित में कार्य करने के लिए जहां जाना होगा वहां जाएंगी और आम जनता के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी। तो और बहुत ही सुनहरी योजना है जो भागलपुर स्मार्ट सिटी की सौगात हमें मिली है और इसमें जो कार्य कराया जा रहा है उसमें एक कंपोनेंट टाउन हॉल का विकास था। टाउन हॉल जब बनकर तैयार हुआ तो यहाँ के सांस्कृतिक कर्मियों, यहाँ के रंग कर्मियों के लिए जो निःशुल्क या बहुत ही नॉमिनल शुल्क पर जो प्रोवाइड कराना चाहिए था प्रशासन को, उसके लिए यहाँ पर 8 घंटे का 1,04,000 शुल्क तय कर दिया गया है। उसी के तहत यहाँ पर कई संगठनों ने अपने विरोध प्रकट किए तो उस शुल्क वृद्धि को लेकर सबसे संवाद करने हेतु महापौर महोदया के द्वारा आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हुए, जिसमें शहर के सभी सामाजिक संगठनों के लोग और सभी निगमों के सम्मानित वार्डों के सम्मानित प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए हैं और इस मौके पर हम लोगों ने जोरदार तरीके से इसका शुल्क वृद्धि का विरोध किया है और हम लोग इस आशय का हम चाहेंगे कि महापौर महोदया सरकार को अवगत कराएं यहाँ की भावनाओं से और शुल्क वृद्धि स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड से अविलंब वापस लिया जाए। शुल्क वृद्धि को लेकर आज परिचर्चा कार्यक्रम मेयर महोदया की अध्यक्षता में हुई है, इसमें साफ तौर पर जितने भी भागलपुर के सांस्कृतिक, सामाजिक और संगठन हैं वो सारे संगठनों की भागीदारी, जन भागीदारी को मेयर साहिबा ने आज जोड़ने का एक प्रयास किया है, उस प्रयास में हम सफल रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में सामाजिक संगठन के लोग आज यहाँ आए थे, उन्होंने सब ने एक स्वर में यह जो नया नवनिर्मित टाउन हॉल बना है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह टाउन हॉल जो बना है, जब इसका टेंडर हुआ था टेंडर में साफ ये लिखा हुआ था कि 3 वर्षों तक जो कंपनी को बनाने के लिए निर्धारित की जाएगी 3 वर्षों तक उसी कंपनी को ही इसका मेंटेनेंस करना है। तो 3 वर्षों तक तो मेंटेनेंस चार्ज किसी से लेने का कोई आशय बनता ही नहीं है और यदि आप चार्ज
जो एक्स्ट्रा चार्ज है, जो उसमें जनरेटर का शुल्क है, जो कुर्सी टेबल का आप चार्ज ले रहे हैं, वो चार्ज लेकर ही टाउन हॉल को जनता के लिए छोड़ना चाहिए। क्योंकि माध्यम से मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा है, वो 8 घंटे का करीबन 1 से 1.5 लाख से 1.5 लाख तक बीच का कॉस्ट आता है। ये आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा। मैं बता देना चाहती हूँ कि जब टाउन हॉल बन गया तो एक्चुअली जो स्मार्ट सिटी का जितना भी प्रोजेक्ट है जो बना, वो स्मार्ट सिटी कमेटी को हैंडओवर हो गया। और इस कमेटी में जो अध्यक्ष है वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और जो उसके सेक्रेटरी हैं कमेटी के, वो हमारे नगर आयुक्त साहब हैं जो MD हैं स्मार्ट सिटी के, और उसकी एक मेंबर मैं भी हूँ, जिलाधिकारी महोदय हैं और SP साहब हैं। तो जो भी शुल्क का, एक्चुअली शुल्क का निर्धारण तो बहुत पहले होना चाहिए था जब टाउन हॉल बन गया था, लेकिन ये शुल्क का निर्धारण हो नहीं सका। इसके लिए हमने नगर आयुक्त साहब को लेटर भी दिया कि आप एक मीटिंग करवाएं और इसका शुल्क निर्धारण कराएं।